आज का टॉपिक है हमारे साथ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? आपके साथ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक जुमला है। फॉर एग्जांपल आपके साथ 27 माइनस 6 प्लस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8, ये आपके साथ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जुमला है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये है कि आप सबसे पहले किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, आप सबसे पहले किस ऑपरेशन को करेंगे। हमारे साथ ये 4 ऑपरेशन हैं। हमारे साथ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इन चारों ऑपरेशन की एक तरतीब होती है और इस तरतीब को हम क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहलाते हैं। जब भी हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, एक मैथ्स के एक जुमले को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक तरतीब होता है, इसी तरतीब के हिसाब से इसको हम हल कर देते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहलाते हैं। इसकी समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक क्वेश्चन है, इसमें हम लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 और यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, या इसको कुछ हम यू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम इसको इस तरह करेंगे, दो दोने 4 प्लस 2, इसका आंसर हमारे साथ 6 आएगा। अब इसको देखें ना, 2 जमे 2 इक्वल टू 4, 2 4 8, सेम एक्सप्रेशन है और हमारे साथ इसके साथ दो मुख्तलिफ किस्म के जवाब आए। हमारे साथ ये जो आंसर है, पहला जो आंसर है इसमें आपको जो भी टीक आए, लेकिन इसमें आपके साथ जो करेक्ट आंसर है वो ये है। आपके साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवोल्यूट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निहायत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके साथ एक छोटा सा मसला है, आपके साथ इसमें कितना बड़ा गलती निकला, एक से आंसर आपके साथ 6 आया और एक में आपके साथ आंसर 8 है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निहायत ही ज़रूरी है। अब हमको क्या पता कि पहले किस ऑपरेशन को पहले करें और किस ऑपरेशन को बाद में करें, तो इसके लिए हमारे साथ एक तरीक़ाकार है, एक रूल है जिसको हम बोडमास रूल कहलाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे साथ वीडियो होंगे इसमें हम बोडमास रूल्स डिस्कस करेंगे कि बोडमास रूल पे हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किस तरह करते हैं, कि किस तरह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की सॉल्यूशन में हमारे साथ मददगार होते हैं। Thank you for watching.